एक समय की बात है जब धरती पर रहने वाली एक साधारण लड़की को पता चलता है कि वो एक परी है और एक राजकुमारी भी। तब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए एक परियों की कहानी यानी फेरी टेल में बदल जाती है। ऐसी कहानी जिसमें साहस, दोस्ती, रोमांचक सफर बेमिसाल है, लेकिन यह सफर तब तक अधूरा होता है जब तक इसका अंत सुखद ना हो, और इसी अंत को वो लड़की अब तक खुद लिखती रही है। पगोड़ा ही होना चाहिए। सब तैयार है, चलो चले। This movie is encoded by Toon World for all.me. भला ये क्या बात हुई? हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं है। कोई है? यहाँ कोई है? ये लोग यहाँ कैसे आ गए? Wings and Chantics! Light on.
Magnetic storm! Ah, see your light. ये बर्फ से बने होते हैं, गर्मी पैदा करके इन्हें पिघला देती हूँ। करो ब्लूम, हम तुम पर नजर रखेंगे। चलो इनकी नाक को रगड़ कर पाउडर बनाते हैं। सोनिक शील्ड, संभालो। ओहो, इनकी गंदी नाक हर जगह चली आती है, शायद इससे इनकी रफ्तार कम हो जाए। मैजिक वाइंडिंग आईवी। तुम्हें चोट लगी? दर्द तो हो रहा है पर मैं ठीक हूँ, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फ्लोरा, तुम ठीक हो? थोड़ा दर्द हो रहा है पर मैंने रोक सकती हूँ। स्कैन हो रहा है, कंट्रोल यूनिट उस दीवार के पीछे है। जल्दी करो, मैंने अब नहीं रोक पा रही। विंग्स, तैयार हो जाओ, ड्रैगन की शक्ति। फ्यूजन फायर। अच्छे मूव्स हैं ब्लू, रोबोट आर्मी का कचरा एक मिनट में साफ हो गया। तुमने तो सच में कमाल कर दिया। इसे ही कहते हैं बढ़िया टीम वर्क। ऐसा नहीं है, ये टीम वर्क से ज्यादा वर्क था। विंग्स क्लब टीम वर्क। हमें और लोग चाहिए, मुझे आसपास किसी और के होने का एहसास हो रहा है और वो इसी तरफ आ रहे हैं। हगिंस वॉट स्मिथ है, सतर्क रहना। हगे, चमकते सील के मास्टर, आप और यहाँ स्टेला, क्या थोड़ी रोशनी कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, इस काम में तो मैं माहिर हूँ। क्या चल रहा है? हगेन, तलवार के मास्टर, हमने तो सिर्फ रोशनी दी है। मुझे अंधेरा पसंद है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी कदम होगा। मुझे ये सब मिल ही गई। ओह, बस उम्मीद है कि मैं सही समय पर पहुंच गई हूँ। तुमने मेरे किले पर हमला करके मेरे रक्षकों को मार डाला, पर तुम्हारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं कि हर बार तुम जीत जाओ। हागन, तुम्हारी तलवारबाजी का ये खेल पुराना नहीं हो गया? ओह मैडम फेरागोंडा, हजारों सितारों की चमक वाली फेरागोंडा, ये तुम हो? हाँ, हमें मिले जमाना हो गया ना? जमाना नहीं, कई जमाने हो गए लाइट कंपनी को टूटे हुए। अब तुम बूढ़ी हो गई हूँ, पर कुछ खोकर कुछ पाया है। उम्र के साथ साथ हम सब में समझदारी भी तो बढ़ती है ना? अब अपनी तलवार नीचे रखो और सिर झुकाओ। ये है स्पार्क्स की आखिरी राजकुमारी ब्लूम। ओरिटेल और मैरियन की बेटी, वो जिंदा है? मुझे लगा कि वो नहीं। मेरे दोस्त, ब्लूम को बचा लिया गया था, वो धरती पर अपने नए माता पिता के पास पली बढ़ी और अब यहाँ आ गई है अपने असली माता पिता को ढूंढने। ये जगह सही नहीं है इन सब बातों के लिए। उस निमंत्रण को स्वीकार करने का सही समय आ गया है जिसे तुम बरसों से टालते आ रहे हो हागन। ठीक है फेरागोंडा, अब मैं एक और विरोधी को तैयार नहीं करना चाहता। अच्छा है, तो हम अल्फिया चलकर इस बारे में बात करते हैं। तो आखिर तुम अपनी गुफा से बाहर निकल ही आए बूढ़े भालू। परियों की दुनिया, क्या यहाँ सब कुछ इतना ही रंग बिरंगा होता है या कोई खास मौका है आज? आज का दिन खास है हागन,
आज कुछ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर अल्फिया को हमेशा के लिए छोड़कर जाएंगी। आज ये उनके जादुई सफर का आखिरी दिन होगा, पर ब्लूम के लिए ये सफर जारी रहेगा। इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहती थी मास्टर। आप मुझे पता है कि मेरे असली माता पिता इस मैजिक ग्रह में कहीं खो गए हैं। मुझे उन्हें ढूंढना होगा, और सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो लड़की, तुम्हें निराशा हो सकती है। ये तलवार देखो हागन, द स्वॉर्ड ऑफ किंग ओरिटल, ये मेरे पिता है। ये तलवार बिल्कुल मंत्रों से पवित्र की गई। इस तलवार को कोई भी उसके मालिक से अलग नहीं कर सकता। कभी ना खत्म होने वाली तलवार, चमकते स्टील के मास्टर कलाकार की कारीगरी का बेजोड़ नमूना, ऐसा जादुई किताब में लिखा है। इसके कारीगर होने के नाते आपको आभास तो होता होगा कि ये कहाँ हो सकती है। ये जहाँ होगी मेरे पिता वहीं होंगे। ओ ब्लूम मेरी बच्ची, मैंने अपने जीवन में हजारों तलवारें बनाई हैं, लेकिन तुम्हारे पिता के लिए सबसे मजबूत तलवार बनाई थी। एक ऐसी शक्तिशाली तलवार जो जादुई रोशनी को जीत कर ला सके, जादूगरनी चुड़ैलों के पूर्वजों के खिलाफ लड़ने वाले हम अपने समय के सबसे ताकतवर योद्धा हुआ करते थे। हमने आखिरी दम तक हिम्मत से लड़ाई की और जीत भी हासिल की, लेकिन बहुत भारी कीमत चुकाने के बाद। उस दिन मैं उनके साथ ही था जब वो आखिरी लड़ाई राजा ओरिटल और रानी मैरियन ने उन तीनों पूर्वज चुड़ैलों के साथ किया था। तुम्हारे माता पिता उन तीनों चुड़ैलों के साथ काली शक्तियों के अंधेरे भंवर में गायब हो गए और मैं कुछ भी नहीं कर सका। यहां तक कि मेरी बनाई वो महान तलवार भी कुछ नहीं कर सकी, और तब से अब तक मैं उन्हें ढूंढ ही रहा हूं। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने राजा की तलवार की शक्ति का आभास करने और अपने सबसे करीबी दोस्त तुम्हारे माता पिता को ढूंढने की कोशिश ना की हो। ब्लूम मैजिक रब बहुत ही बड़ा है, हो सकता है अभी भी वहां पर। ब्लूम मैं जानता हूं तुम्हारा दिल यह मानने को तैयार नहीं, लेकिन सच को मानना पड़ता है। मुझे माफ करना ब्लूम। नहीं नहीं। देखो हे रुको, बताओ क्या हुआ। नहीं स्टेला, तुम उसकी अच्छी सहेली हो, लेकिन अभी के लिए उसे अकेला छोड़ दो। और कम ऑन गर्ल्स, समारोह अब शुरू होने ही वाला है। 3 सालों की कड़ी मेहनत और एक अनजान से उत्साह के साथ परियों का इस अल्फिया का अपना अनुभव अब खत्म होने वाला है। और अब वक्त है अपने दोस्तों के साथ इस उपहार के जश्न को मनाने का, और साथ ही आज हमारी ग्रेजुएट फेरीज लेंगी अपना अपना गार्डियन फेरीज का चोला। तो अब वक्त है सुप्रीम हार्मनी का। अब आगे आओ गर्ल्स। कीको, मुझे अकेले रहने दो। ओह हाय प्यारी किटी। सॉरी, सच में मेरा इस समय खेलने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। पर चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस मुझे ही ऐसा लगता है जैसे जैसे ये पूरी दुनिया बेरंग हो गई है। कितनी प्यारी हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? किटी? हाँ किटी, हाँ आज से तुम्हारा नाम किटी है। इन छोटे छोटे ज्वेलरी बॉक्सेस में है हार्मनी की पावर। ये आखिरी उपहार है हर ग्रेजुएट होने वाली फेरी के लिए।
अब इन बॉक्सेस को खोलो और तैयार हो जाओ मैजिक डायमेंशन का हिस्सा बनने के लिए। ये पौधे, ये पेड़, मैं हवाओं में बसी इनकी बातें सुन सकती हूँ। मैं एक एक शब्द, एक एक भाव समझ सकती हूँ। यही तो फर्क है उस फेरी में जो फूलों के जादू को इस्तेमाल करती है और उसमें जो खुद फूलों की फेरी है। मुझे टेक्नोलॉजी का कनेक्शन मिल रहा है और मैं उसे समझ सकती हूँ, यूज भी कर सकती हूँ। मैं दुनिया के हर म्यूजिक को सुन सकती हूँ, यहाँ तक कि लोगों के दिलों के अंदर बसे गीत को भी, और मैं गा सकती हूँ। सूरज, चांद और सितारों की रोशनी मिली है मुझे और मैं जानती हूँ इनसे मैं दुनिया की हर चीज को रोशनी दे सकती हूँ। मैं दुनिया भर की बारिश को महसूस कर सकती हूँ, एक एक बूंद को भी, हल्की से हल्की और अथाह समुंदर में गिरने वाली एक बूंद को भी। स्कूल अब खत्म हुआ गर्ल्स, तुम्हारी फॉर्मल फेरी ट्रेनिंग अब पूरी हुई। आज के बाद तुम सब बन गई हो नई गार्डियन फेरी। हाँ, तुम सब। थैंक्स, आई लव यू। प्लीज ऐसे रो मत। हालांकि रोती हुई भी तुम बहुत ही सुंदर लगती हो ब्लूम, लेकिन मुझे तो तुम्हारा मुस्कुराना ज्यादा पसंद है। स्काई, तो मेरा राजकुमार आ गया मुझे मेरे अकेलेपन की दुनिया से बचाने के लिए। हमें ग्रेजुएशन पार्टी के लिए देर हो रही है गर्ल्स, चलो भी। क्या ये ज्यादा लंबा लग रहा है? मैं चाहती हूँ ब्रैंडन को मेरी नई हील्स दिखे। अगर तुम्हें लगता है कि इस लंबे से गाउन में ब्रैंडन तुम्हारा हील्स देखेगा तो तुम गलत हो। गर्ल्स, वैसे तो मैं इस बात की इजाजत नहीं देती, लेकिन आज खास दिन है तो। नॉक नॉक, क्या यहाँ गार्डियन परियां रहती हैं? ओह ब्रैंडन क्यूटी पाय। सारी गार्डियन परियों से ज्यादा चार्मिंग और प्यारी परी हो तुम। तुम कितने स्वीट हो। मुझे तुम्हारे लिए फूल लाने थे, लेकिन फिर सोचा उस परी को मैं कौन सा फूल दूं जो खुद सारे फूलों को बनाती है। क्या ये सच है कि तुम दुनिया के हर तरह की टेक्नोलॉजी, हर कंप्यूटर से कनेक्टेड हो गई हो? हाँ, ये सच है, और तेजी से उनसे कनेक्ट भी हो सकती हूँ। इतना भी बेवकूफ मत बनाओ, मैंने तुम्हें देखा था सेरेमनी में, मुझे छुपकर घूर रहे थे तुम। मुझे लगा था मैं किसी अच्छी पार्टी में जा रहा हूँ, मुझे क्या पता था यहाँ मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। रेविन, आज तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो बताओ मुझे? सच कहूँ तो मैं इनके लिए बहुत ही खुश हूँ, हमारा साथ बहुत अच्छा था, लेकिन अब ये सब खत्म हो रहा है। सिर्फ स्कूल खत्म हुआ है, लेकिन जिंदगी शुरू हो रही है। शायद तुम इस बात से डर रही हो कि क्या होगा अगर तुम उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। तुम मुझे कितनी अच्छी तरह समझते हो स्काई, है ना? मुझे सब पता है। क्या पता है? यही कि सबकी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सबसे बेस्ट हो और तुम सबकी उम्मीदों पर खरी भी उतरोगी। चलो अब चल के पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। हे, वो देखो, ब्लूम और स्काई। रंगे हाथों पकड़े गए तुम दोनों। इन्होंने तो कर दिखाया, मैं नहीं कर सकी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो ब्लूम हो, पूरा एल्फिया जानता है तुम सबसे शक्तिशाली परी हो। जानते हो, असली गार्डियन परी वो होती है जो अपने लोगों की सुरक्षा करती है, लेकिन मैं बिना राज्य की एक ऐसी राजकुमारी हूँ जिसका अपना कोई नहीं जिसकी वो सुरक्षा करे। मेरी दुनिया, मेरा घर स्पार्क्स अब खत्म हो चुका है। अगर मैं अपने मम्मी पापा को ढूंढ लेती तो मेरा मकसद बिल्कुल पूरा हो जाता, और फिर मुझे गार्डियन परी का हार्मनी पावर मिल जाता। मेरे पास एक मौका था और एक उम्मीद भी, लेकिन अब दोनों नहीं है। जिस ब्लूम को मैं जानता हूँ वो कभी हार नहीं मानती है। कोई हेल्प करो, जिस लड़की को मैं प्यार करता था उसे कोई चुड़ैल उठा के ले गई। ऐसा कभी नहीं होगा, उस हेगन की बातें भूल जाओ और अपने आप पर भरोसा करो और अपने दिल की बात सुनो। मेरा यकीन करो ब्लूम, तुम कभी नहीं हारोगी। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक और बात है जो मैं तुम्हें कब से बताना चाहता हूँ ब्लूम,
वैसे ये बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये बताना ही पड़ेगा। ओ नहीं, राजकुमार स्कार, मुझे पता था आप यहीं मिलेंगे। मैं आपको लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। सुनो, मुझे बस 5 मिनट दो, समझी? 30 सेकंड। स्काय, लेकिन ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? ब्लूम, देखो मैं तुम्हें सब कुछ बहुत जल्दी बताऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा रहा। ब्लूम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। पर अभी मुझे जाना होगा। स्काय, नहीं, इस वक्त कोई सवाल मत करो। मैं वापस आऊंगा और फिर तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी तो छोड़ रहे हो ना? देर हो रही है राजकुमार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ब्लूम, इस बात को मत भूलना। ब्लूम आ गई, कहाँ थी तुम? हाय, मैं तो बस। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मेरी गले लगो। तुम लोगों की पार्टी कैसी रही? तुम कुछ लोगों को एक जगह इकट्ठा हो जाने को पार्टी कहती हो? ब्लूम, जहाँ तुम नहीं वो पार्टी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, यकीन नहीं होता कि आज की रात अल्फिया में हमारे एक साथ रहने की आखिरी रात है। सही कहा, और हम इसे सोकर बर्बाद नहीं करेंगे। मैं समझ गई, आज रात हमारे पुराने स्टाइल के पिलो पार्टी का टाइम है। क्या तुम्हारा मतलब है पजामा पार्टी? ए, तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने देखा रिविन कैसे डांस कर रहा था? ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे। चलो गर्ल्स, अब पैकिंग करते हैं। तुम लिम्फिया जा रही हो? हाँ। यकीन नहीं हो रहा कि मैं अब वापस एक फूलों की परी बनकर जा रही हूँ। ज्यादा कुछ नहीं बदला है, बस थोड़ी सी जिम्मेदारी आ गई है प्लैनेट को बचाने की और लोगों की खुशी और उनकी सुरक्षा की। हमें बस दुनिया को बचाना है, इसमें इतना बड़ा भी क्या है? जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, पावर के साथ ही आप लोगों की पसंद बन जाते हैं। और तुम ब्लूम, तुम धरती के पेरेंट्स के पास गार्डेनिया जा रही हो? हाँ, माइक और वेनेसा मेरा वेट कर रहे हैं। मैं कुछ दिन अपनी मॉम को उनके फ्लावर शॉप में हेल्प करूंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें इतने अच्छे पेरेंट्स मिले। हम सबके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच कुछ बदलने वाला है। चाहे जो भी हो, लेकिन हम सब हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। गुड बाय अल्फिया।
तन्हाई से जरा देखो तो वैनेसा लग रहा है जैसे खुले आसमान की चिड़िया पिंजरे में हो। ये पूरी दुनिया उसके लिए छोटी है, उसकी दुनिया ही अलग है। मैं चाहता हूँ कि ब्लूम बस खुश रहे। हाँ, अगर वो खुश नहीं तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? हमें कुछ करना होगा। गुड नाइट बेटा, देखना कल की तुम्हारी सुबह बहुत अच्छी होगी। कम अब तुम सुरक्षित रहोगी। तुम्हें ड्रैगन पावर कभी नहीं मिलेगी। तुम अकेली नहीं रहोगी ब्लूम, क्योंकि प्यार हर सीमा हर दूरी से बहुत ऊपर होता है। सुनो मेरी बहन, तुम अपनी खोज जारी रखो। तुम्हारा दिल जानता है कि हमारे पेरेंट्स जिंदा हैं और पहले से ज्यादा करीब हैं तुम्हारे। मुझे तुमसे बात करनी है ब्लूम। लाइट रॉक आ जाओ, मेरे पास आओ ब्लूम। डैफनी, डैफनी कहाँ हो तुम? ब्लूम मेरी बहन, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कह रही थी कि हमारे पेरेंट्स शायद वो अभी भी जिंदा हैं। क्या तुम उन्हें ढूंढने के लिए तैयार हो? क्योंकि इस खोज में बहुत खतरों का सामना करना होगा। तुमने मुझे बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मैं भी उन्हें ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगी। तो ठीक है, हमारे पिता के पास एक किताब थी जिसका नाम बुक ऑफ फेट है। उस किताब के पन्नों में हमारे परिवार के इतिहास के बारे में लिखा है। तो अगर हमारे पेरेंट्स जिंदा है तो वो किताब बताएगी। रुको, उस किताब के बारे में तुम मुझे अब क्यों बता रही हो? मुझे लगता था कि विचेस के पूर्वजों ने जब स्पार्क्स पर हमला किया था, लेकिन हमारे पिता ने स्पार्क्स के इतिहास को खोने से बचाने के लिए उस किताब को रॉक माउंटेन की एक गुप्त लाइब्रेरी में छुपा दिया था। तो मैं अब अपनी दुनिया में जाकर उसे हर हाल में ढूंढ निकालूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ब्लूम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये मेरा मास्क अब तुम्हारा है, इसे तुम पहनो। जब तुम इसे पहनोगी तो तुम मेरी आंखों से स्पार्क्स को देख पाओगी जैसा मैंने देखा है, और ये मास्क तुम्हें रास्ता दिखाएगा। ये तुम्हें उस रॉक माउंटेन तक पहुँचाएगा जहाँ वो गुप्त लाइब्रेरी है। रुको, देखने मेरी शक्ति कम हो रही है, अब मुझे झील के अंदर जाकर आराम करना है। प्लीज मत जाओ, प्लीज। ब्लूम मैं विदा नहीं ले रही हूँ, और हमेशा याद रखना तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। फिर हम सब साथ हो जाएंगे एक दिन। डैफनी, थैंक यू डैफनी, तुम्हारी हेल्प से मैं ये जरूर करूंगी। मॉम, डैड, मेरे साथ कुछ बहुत कमाल का हुआ है। और उससे भी बड़ा कमाल अब होने वाला है। अब ये मत कहना कि तुम्हें अपना बर्थडे याद नहीं है। ओह मॉम, ये तो सच में सबसे कमाल का सरप्राइज है। मैं थैंक यू। तुम्हें तो पता है जहाँ सेलिब्रेशन की बात हो मैं सबसे आगे होती हूँ। तुम्हारी मॉम का आइडिया था ये। और जहाँ तक गिफ्ट की बात है
तो हम सबका किसी एक बात पर अग्री होना बहुत ही मुश्किल था, पता है ना? थैंक यू। लेकिन सच कहूँ तो तुम लोगों से बड़ा गिफ्ट मुझे और क्या चाहिए। पक्का तुम्हें हम ही गिफ्ट में चाहिए? ओके स्काई, तुम जा सकते हो। स्काई, देखा मैं आ गया ब्लूम, मैंने वादा किया था। तुम कहाँ थे? पता है मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, लेकिन उस शाम के बाद से ही तुम्हारा फोन ऑफ था। उसी शाम से मैं अपनी जिंदगी के एक नए सफर में था, लेकिन कोई भी दिन या रात ऐसी नहीं गई जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मुझे लगता है तुम दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। hey, पहले हमें वो गुड न्यूज तो बताओ। मेरे सपने में आई थी, मेरे पेरेंट्स जिंदा है, मुझे स्पार्क्स वापस जाने के लिए कहा सीक्रेट लाइब्रेरी ढूंढने। मेरे साथ कौन आना चाहता है? ये कैसा सवाल है, हम सब आएंगे। अपने आप पर हमेशा विश्वास करो और दिल की बात सुनो, ये तुम्हें मुझसे कहा था ना, और मुझे यकीन है। अच्छा क्या हुआ, कैट से एलर्जी है? तलवार जागृत हो रही है। ओहो, ये रोशनी हमें जला रही है। मुझे स्प्रक्स की ताकत महसूस हो रही है, या कोई इस तलवार को जागृत कर रहा है, लेकिन कौन कौन? हमने तो उस ग्रह को और उसके राजा को भी खत्म कर दिया था, वहाँ कोई भी ऐसा जिंदा नहीं था जो इस तलवार को जागृत कर सके। हमें उस मनहूस तलवार को खत्म करना होगा, इस मैजिक ग्रह से स्पार्क का नामो निशान मिटाने के लिए उसे नष्ट करना ही होगा। लेकिन ये कैसे करें? इसके जरा सा छू जाने से हम सब खत्म हो जाएंगे, वो सारे योद्धा मारे गए जो इसके करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। मैं मैंड्रागोरा आपकी सेवा में हाजिर हूँ, मेरी मालकिनों मुझे अपनी काली शक्तियाँ प्रदान करें, जिससे मैं अपने बर्फीले जेल से निकलकर आपके दर्द की दवा खोजने जाऊँ। ऐसा ही होगा, अनंत अंधकार, अपार बिजली, बॉटमलेस आइस। ओह हाँ, अब आपकी शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई है, मैं स्पार्क्स के आखिरी चिराग को ढूंढ लूंगी और तब मैं अपने दोनों हाथों से उसे बुझा दूंगी। आपसे आपके पायलट बात कर रहे हैं, हम अब स्पार्क्स प्लैनेट के मैग्नेटोस्फीयर से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा झटका महसूस हो। ये थोड़ा झटका था, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मुझे मत बताओ। ब्लूम सुनो, हम जो बात कर रहे थे उस दिन, मैं जानता हूँ तुम इतने महीने से मुझे ढूंढ रही थी और ये सोच रही थी कि मैं कहाँ हूँ, और मैंने उस बात के लिए 4 महीने इंतजार किया है, तो कुछ घंटे और इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन अभी हम एक मिशन पर है और मुझे उस पर ध्यान देना है। तुम जानना नहीं चाहती मैं कहाँ था? मैं बाद में सुनूंगी, तुम पर यकीन है। क्या मैं आग जला दूँ? क्योंकि इस जमी हुई बर्फ में लैंडमार्क मिलना मुश्किल होगा। विश्वास नहीं होता कि ये जगह एक समय में इस पूरे मैजिक ग्रह की सबसे सुंदर जगह थी। हाँ, चुड़ैलों के पूर्वजों ने आवेश में आकर इसे बर्बाद कर दिया, और अब यहाँ पर किसी भी चीज का निशान तक नहीं बचा है और न ही लोग बचे हैं। लेकिन यहाँ तो लगता नहीं कि कोई भी चीज जीवित है। डेफने का मास्क यहाँ हेल्प करेगा। डेफनी सही कह रही थी, स्पार्क्स पहले जैसा था मैं वैसा ही देख रही हूँ। आह कितना सुंदर है। चलो दोस्तों। ब्लूम पक्का हम सही रास्ते पर हैं? मानो या न मानो, लेकिन मास्क मुझे रास्ता दिखा रहा है। ये तो डेफनी का है। हाँ, मेरी बहन ने मुझे सपने में दिया हमारी खोज में हेल्प करने के लिए। हमें यहाँ से मोटर बाइक से चलना चाहिए, और ऊपर से इतने कोहरे में हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। क्या कर रहे हो स्काई, मुझसे आगे निकलने की सोच रहे हो? हर बार अपनी बेइज्जती क्यों करवाते हो? तुम इतने स्लो चल रहे हो कि मूसा पीछे बैठी बैठी सो जाएगी। अच्छा तो ठीक है, फिर मंजिल पर मिलते हैं कुछ घंटों में।
ठीक है, अब दो बातें। एक तो स्पेशलिस्ट, अपना बचपना बंद करो, और दूसरी बात, ब्लूम, क्या यही रॉक माउंटेन है? हाँ, यही है। मुझे लगा नहीं था कि यही होगा। दोस्तों, क्या तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? ब्लूम, तुम्हारे पिता राजा ओडिटल ने लाइब्रेरी को सुरक्षित रखने के लिए उसे विशाल पक्षी जिसका नाम रॉक है उसके घोंसले में बनाया है। ये पौराणिक पक्षी है और आज से पहले किसी को यकीन नहीं था कि सच में ऐसा पक्षी होता है। लगता है ये माउंटेन इसका घोंसला है। फिर तो हमें बिल्कुल इसी जगह जाना है। हम यहाँ से अलग हो जाते हैं। तुम लोग जाकर किताब को ढूंढो और हम रॉक को संभालते हैं। समझ गया, हम पर छोड़ दो। इस काम में हम सब बहुत ही माहिर हैं। संभल कर दोस्तों, फिंगर्स क्रॉस रखो। टेंशन मत लो, जिस लतर के सहारे वो चढ़ रहे हैं वो स्टील से ज्यादा मजबूत है। जरा तेज चलो स्काई, मुझे पूरे दिन यहीं पर नहीं रहना है। हम यहाँ उस विशाल पक्षी को जगाने से बच रहे हैं और तुम दहाड़ रहे हो। वो हमारी आवाज़ से नहीं जगने वाला। ऐसा नहीं लगता कि पहले रिवन का मुँह फूला होता था, अब देखो खुद फूल गया है। मैंने कहा ना, उसने हमें देखा भी नहीं। हम लोग उसके लिए बहुत छोटे हैं। जाओ, लैला ठीक कह रही है, जब तक वो उड़ता रहेगा सब ठीक है। रिलैक्स, अरे यही तो वो काम है जिसमें हम सब माहिर हैं, है ना? मतलब खतरों से खेलने में नहीं। ब्रैटन, वापस आ जाओ मेरे क्यूटी पाय। हमें जल्दी से ट्रांसफॉर्म होकर उस बर्ड को दूर भगा देना चाहिए। लैला नहीं, रॉक हम सबसे बहुत ज्यादा तेज है। अगर हमें लड़कों को बचाना है तो सिर्फ एक रास्ता है। कौन सा रास्ता ब्लूम? हमारा जहाज। चलो हम जल्दी से जहाज लाते हैं। अल, बचाओ। हेलो टिमी, मेरा हाथ पकड़ लो। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। फिर कोशिश करो, ये बेल जल्दी ही टूटने वाली है। ओ नहीं! ये बाल बाल बच गए। हे, वो क्या है? लतर को पता था कि मैं क्या सोच रही थी। टिमी अब सेफ है। अब हमें देखना होगा कि ये सारे बटन्स किस लिए हैं। बटन्स, लाइट्स, नॉब्स, सब लड़कों की चीजें हैं। मैं ये सब कुछ अपने विंग्स और जादू से कर लूंगी। मुझे नहीं लगता पंखों के सहारे लड़कों तक पहुंच सकते हैं, इसलिए रॉक को शांत करना होगा। और ये आसान नहीं होगा, वो गुस्से में है। नहीं, वो गुस्से में नहीं है, वो बस डरा हुआ है। ओवरसाइज टर्की को लोरी सुनानी होगी। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी पावर से इसे शांत कर पाओगी? मैं कोशिश कर सकती हूँ। नहीं, ये बहुत दूर है, हमें नजदीक जाना होगा। बिल्कुल, कस के पकड़ लो। ड्रैगन का गुस्सा देखो। कम ऑन, वो देखो आ गए हमें बचाने वाले। हम नजदीक पहुंच रहे हैं। हाँ, बस जरा सा और, थोड़ा सा और करीब। हाँ, फिर से ट्राई करते हैं। मुझे बस अब ब्लूम! ओह, मेरा सिर। अरे नहीं, सेटना, देखो माउंटेन। हाँ, देख रहा है। बस एक मिनट, तो कुछ करो, टर्न जल्दी। यस, संभाल लिया उन लोगों ने। क्या तुमने सुना रेवेन? वो लोग सुरक्षित हैं। अब बेकार की चिंता करना बंद करो। कौन चिंता कर रहा है, मैं सिर्फ लटक रहा हूँ। चलो फिर से कोशिश करते हैं, इस बार संभालना। वो नहीं दिख रहे हैं, वो बादलों में छिप गए हैं। स्टेला, क्या तुम कुछ कर सकती हो? हाँ, सूरज को बुलाती हूँ और रोशनी दिखाती हूँ। क्लाउड ब्रेकर, तुम डांस करने के लिए तैयार हो? देखना, ठीक है मुसा, अब तुम्हारी बारी। मैं करूंगी पावर ऑफ हार्मनी।
देखो, मेरी मालकिने कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन ये स्पार्क्स तो एक नष्ट हुआ ग्रह है। एक मिनट, मुझे कोई पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है। आगे बढ़ो ब्लूम, पढ़ो ब्लूम। हाँ हाँ, अब मुझे समझ आया। मुझे ड्रैगन की आग महसूस हो रही है और गार्डियन परियों के पूरे झुंड का आभास हो रहा है, लेकिन ये क्या इतनी ताकतवर हैं कि मेरी मालकिनों की नींद उड़ा दे? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है। क्या बात है? ओ, मुझे मत बताना, इसमें ये नहीं लिखा है कि तुम्हारे पैर। मैं इसे नहीं पढ़ सकती, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है। पढ़ने की जरूरत नहीं, संभल कर। सब लोग पीछे रहो। डरो मत ब्लूम, मैं लॉर्ड बार्टलबी हूँ। मैं तुम्हारे पिता का क्लर्क था और मैंने इस किताब को कई बरसों से संभालता हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें सही सलामत देखकर। जब स्पार्क्स पर चुड़ैलों का हमला हुआ तो तुम्हारे पिता ने अपनी जान पर खेलकर इस किताब को तुम्हारे लिए यहाँ लाकर रख दिया। आप मेरे पेरेंट्स को जानते थे? क्या वो जिंदा है? उनके बारे में बताइए। ये देखो, मिल गया। ये ओरिटल और मेरियन का चैप्टर है। तुम्हारे पेरेंट्स स्पार्क्स के आखिरी शासक थे। ये उनकी शादी की तस्वीर है। ओह, कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है ना? हाँ, सच में बहुत ही सुंदर है। इनकी आंखों में देखो कितना साहस भरा है। रेवन, रेवन। आगे देखते हैं। ये जरूर डेफनी होगी। ओ, जरा देखो तो, कितनी क्यूट थी। अच्छा तो बाटल बेबी, अब ब्लूम की क्यूट पिक्चर दिखाना छोड़कर कुछ और दिखाइए। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? मतलब कि इस किताब में और जरूरी चीजें भी होंगी, उसे दिखाइए। आई एम सॉरी मिस, यही है मेरे पास। माफ करना, लेकिन हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये तो बहुत ही बोरिंग है। अब जब मैं पन्ना घुमाऊंगा। वाओ, ये तो लाइट कंपनी है, चुड़ैलों के पूर्वजों से लड़ाई के तुरंत पहले की। मैडम फेरागोंडा भी उसमें शामिल है। जरा देखो वो कितनी छोटी थी। अब अगला पन्ना बात है भी, मुझे जानना है क्या हुआ था। काफी अजीब बात है, कोई जवाब नहीं। ओरिटल और मेरियन गायब हो गए हैं और ये किताब भी नहीं बता रही है कि उस अंधेरे दरवाजे के पीछे क्या हुआ था। इसका मतलब वो जिंदा नहीं है? नहीं राजकुमारी, वो सिर्फ गायब हुए हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं जानता। ये कैसे हो सकता है? किस्मत की किताब का अंत ये है? एक मिनट, लॉर्ड बार्टलबी, इस किताब में राजघराने के हर सदस्य की किस्मत के बारे में लिखा है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो फिर ब्लूम के बारे में भी लिखा होगा। हाँ, हमने ये बात पहले क्यों नहीं सोची? हाँ। अगर ब्लूम की किस्मत में अपने पेरेंट्स को ढूंढना लिखा है तो इस किताब से पता चलेगा कि ब्लूम के पेरेंट्स कहाँ हैं। रेवन, रेवन। ये क्या था? रेवन, कौन है? अगर आप चाहती हैं राजकुमारी, तो हम देख सकते हैं कि ये किताब आपके बारे में क्या कहती है, पर अपने भविष्य के बारे में जानना खतरनाक हो सकता है। बाटल भी, मैं फिर भी जानने के लिए तैयार हूँ। कमाल की बात है, आपकी पूरी किस्मत एक भविष्यवाणी की तरह है, और ऐसा लगता है किसी स्पार्क्स के बड़े बुजुर्ग ने यह बताया था। अंतहीन सड़कों के एक चौराहे पर राक्षस लोगों को बंदी बनाकर रसातल में ले जाएंगे, तब तक बिना ताज का राजा एक नष्ट हुए राज्य के खोए हुए राजा को बचाएगा, और उसके 6 सहायक इसमें उसका साथ देंगे, और वो रोशनी बनकर अंधेरे से लड़ेंगे। जो खो गया है वो फिर से मिल जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं,
इसका मेरे पेरेंट्स के साथ क्या संबंध है? आपने किताब की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और हाँ, आपके कपड़े बहुत सस्ते लग रहे हैं। अब इस डिमेंशन से मेरे जाने का वक्त हो गया है। जब स्पार्क्स के राजघराने के इतिहास में नए पन्ने जुड़ जाएंगे, तब मैं फिर उन्हें बताने आऊंगा। लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा। आपकी खिदमत में मैं हमेशा हाजिर रहूंगा, राजकुमारी ब्लूम। बार्टलबी, मेरे भविष्य के बारे में आखिरी पन्ना क्या कहता है? यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है राजकुमार। कुछ नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी तक आपकी किस्मत लिखी नहीं गई है। इस कहानी का अंत आप से ही होना है राजकुमारी, इस बात को आप कभी मत भूलिएगा। चलता हूँ। बार्टलबी, रुकिए प्लीज। उसे सांस लेने दो, पीछे हट जाओ। चलो इसे अल्फिया ले चलते हैं। रिवेन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रिलैक्स म्यूसा, ये पहले से ही जीती है, ये अभी ठीक होगा। रिवेन, तुम ठीक हो गए? मैंने इसे ठीक किया, मैंने रिवेन को ठीक किया। वेलकम बैक दोस्त, हम तो डर ही गए थे। रिवेन, बताओ ये कितनी उंगलियां हैं मेरे दोस्त, बताओ। दो हैं, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बिल्कुल नहीं हूँ, समझे? दो हैं, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। अब ये कमजोर और कंफ्यूज्ड है, यही सही मौका है हमला करने का। अब जाओ मैंड्रागोरा, और याद रखना, खाली हाथ वापस मत लौटना। तुम ऑब्सीडियन सर्कल की बात कर रही हो? आपको पता है इसके बारे में? क्या है ये? बदकिस्मती से हाँ ब्लूम, वो एंट्रेंस है अंधकार की खुफिया जगह की, जो कि एक डिमेंशन है डर, दर्द और तकलीफ का। जो डरावनी सी तस्वीर दिखी थी किताब में, वो ऑब्सीडियन था। मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ राक्षसों और भयानक जीवों को कैद करके रखा जाता है। हाँ, जब मैजिक्स के बच्चे शरारत करते हैं तो उन्हें ये कहानी सुनाई जाती है। और ऑब्सीडियन का ब्लैक सर्कल शैतान को दूर रखता है, और वहीं उन तीन एंसेस्ट्रल विचेस का जन्म हुआ। और हो सकता है मेरे पेरेंट्स। उम्मीद है ये सच ना हो। जो भी ऑब्सीडियन जाता है वहीं गुम हो जाता है, वहाँ का शैतान उन्हें बुरा बना देता है। मेरी मालकिनों का पावर मिलने के बाद अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं स्पार्क्स की छोटी से छोटी चिंगारी को बुझा दूंगी। वो देखो, सेला, बाहर क्या हो रहा है? क्या तुम्हें नहीं जानना है? हम पर हमला हुआ है। मैं जल्दी से ड्रेस चेंज करती हूँ। अभी तो स्कूल शुरू हुआ है, अल्फिया में सारी नहीं परियां हैं, वो हमारी हेल्प नहीं कर सकती। स्पेशलिस्ट, चलो तैयार हो जाओ, और याद रखो जब तुम लोग बाहर अपना वो खास मैजिक इस्तेमाल करो। घबराओ मत, नहीं मॉन्स्टर कहीं के, मैं तुमसे नहीं डरती। वाइब्रेशन मोशन, ये तो बस शुरुआत ही थी, अब देखते जाओ। काली शक्तियों, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। मैं कहा? सुनो शैतान, काली शक्तियों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम्हारे बूढ़े टीचर के पास इससे ज्यादा पावर है, और वो तुम्हें बहुत आसानी के साथ रोक सकता है। अल्फिया पर कब्जा करने के लिए बहुतों ने सोचा, लेकिन ये तो पक्का है इस पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। तो चलो ये लो। बहुत बढ़िया, मैंने इसे पकड़ा है, मेरे साथ खींचो इसे। बिल्कुल सही टाइमिंग है बच्चों। आप घबराइए मत, हमने इस मॉन्स्टर को पकड़ लिया है। आप लड़कियों को यहाँ से बाहर निकालिए, भागो। चलो अभी इस कीड़े को हमेशा के लिए सुला देते हैं। या।
कर दूसरों की मदद करो। मैं इसे संभालती हूँ। हाँ गन, मैं अभी भी अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। बेहतर होगा उस चुड़ैल मैंड्रागोरा पर ध्यान दो। उसका नाम जाना पहचाना लग रहा है। मैंड्रागोरा यहाँ? ये नहीं हो सकता। मैंड्रागोरा कौन है? यहाँ से भागो। इस वक्त मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। मैजिक्स के लिए तुम सारे वैम्प अपने साथ ये गंदे कीड़े मकोड़े लेकर क्यों चलती हो? मैंड्रागोरा से अपनी जान बचाओ। मैं भयानक ऑब्सिडियन सर्कल की कीपर हूँ। मेरा फायरवॉल काम नहीं कर रहा। अपने बालों पर ध्यान मत दो, समझे? जब सिर नहीं बचेगा तो बाल कैसे बचेंगे? तुम गर्ल्स जाकर छिपने की जगह ढूंढो, वरना मैं तुम्हें क्लास में बैठने नहीं दूंगी। मैडम ग्रिजेल्डा, आप ऐसे बात नहीं कर सकती, हम भी ग्रेजुएट्स हैं। बेचारी कमजोर लड़कियाँ, मेरी काली शक्तियाँ। तुम कामयाब नहीं हो सकती। मैं बहुत ताकतवर हूँ। मेरे अंदर चुड़ैलों के पूर्वजों की शक्ति भरी हुई है। किसकी इतनी हिम्मत? मुझे तो देखकर लग रहा है यहाँ पुराने दोस्तों की महफिल सजी है। फेरगोंडा, तुम पछताओगी। मेरे कीड़े मकोड़ों की सेना तुम पर हमला करेगी। तुम इनके बारे में बात कर रही हो? ये हरकत भारी पड़ेगी। विंग्स, हमला! सब एक साथ कन्वर्जेंस, धरती की एनर्जी, टेक्नो मैजिकल यूनियन, इंचार्टेड मोफेक, पावर ऑफ द सन, पावर ऑफ साउंड, ड्रैगन फायर। ये पावर, हमने इस पर काबू कर लिया है। हार मत मानना ब्लूम, पता नहीं ये अंधकार की गुफा से निकलकर बाहर कैसे आ गई, पर अच्छी रोशनी की पावर से मैं तुम्हें वहाँ वापस जाने का हुक्म देती हूँ। ब्लूम, तो ये नाम है जिसे मैं कब से ढूंढ रही हूँ। हमने कर दिखाया, लेकिन स्कूल को नहीं बचा पाए। मैडम फेरगोंडा, नहीं! क्या हुआ इन्हें? ये ठीक है? ये दवा है जिसे मैंने हमले से किसी तरह से बचा लिया था। वैसे फेरगोंडा कैसी है? वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी पलेडियम, उन्होंने अपनी कुछ ज्यादा ही पावर एक साथ इस्तेमाल कर ली। फिर भी काफी सारी स्टूडेंट्स बुरी तरह जख्मी हो गईं। अल्फिया के लिए ये वाकई बहुत ही बुरा दिन था। देखा किको, मैं कितनी अच्छी हूँ अपने जादू में। अपने पेरेंट्स को खोजते हुए मैंने एक प्राचीन मॉन्स्टर को जगा दिया जो हमें लगता था कि हमेशा के लिए दफना दिया गया था। वो तीनों पूर्वज चुड़ैल है, वो बहुत बुरी है। कब तक मुझे परेशान करती रहेंगी वो? तुम्हें लगता है किताब को ये बात पता है? तुम यहाँ हो? देखो तो कैसी उदास दिख रही है। नहीं नहीं ब्लूम, ऐसा नहीं है। जब लाइफ में सब बुरा हो रहा हो तो अपने अच्छे दिनों को याद करना चाहिए। यही पहला नियम है। ये आवाज़ें तो पिक्सिस की है। क्या तुम सब यहाँ हो पिक्सिस? और कौन हो सकता है? ओह लॉकेट, यहाँ आओ मेरे पास, मुझे हग करना है। तबाही की खबर पूरे मैजिक्स में फैल गई, हम उसे दोबारा बनाने आए हैं। हे, देखो तो कौन आया है। फूलों की परी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें मुझे दिखाने के लिए कोई फूल है? जेरेनियम, डेलिली, ट्यूलिप, डेजी, डैफोडिल या फिर जंगली फूल कैसा रहेगा? तुम्हें फिर से देखकर और सुनकर बहुत अच्छा लग रहा चाहता। ओ, म्यूजिक की गार्डियन परी, मुझे तुम पर गर्व है। चलो कैमरा में देखो और स्माइल करो। क्या तुम सब हमें यहाँ खुश करने आए हो? बताओ, हम यहाँ अल्विया को फिर से बनाने आए हैं। हम लोग कुछ दवाइयाँ और मलहम लेकर आए हैं हर तरह की चोट को सही करने के लिए। क्योंकि हेल्थ पहले जरूरी है, बाकी बातें तो बाद में होती ही रहेंगी, है ना? ओ चाचा।
वक्त हमें हमेशा याद दिलाता है जब भी प्रॉब्लम होती है। मैडम फेरेगोंडा, आप बिस्तर से क्यों उठी? ब्लूम, मुझे तुमसे बात करनी है। जरूरी बात? हाँ ब्लूम, मैं नहीं चाहती तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे तुम्हारे सपनों पर यकीन नहीं। तुम्हारे साथ तो वो सब लोग हैं जिन्हें तुम पर यकीन है ब्लूम, वो जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें बोझ नहीं समझते। उन सब पर भरोसा करो। हाँ, मैं आपकी बात नहीं भूलूंगी। मैं भी याद रखूंगी। तो स्पार्क्स का पावर किसी चीज में बंद नहीं है, बल्कि वो एक इंसान है, एक परी है। हाँ, एक परी है ब्लूम नाम की। ब्लूम राजा ओटल की बेटी। डैफनी ने उसे बचा लिया था इससे पहले कि हम उसे मारते। उसे एल्फिया से किडनैप करना मुश्किल है। वहाँ उसके साथ उसके सारे दोस्त हैं। फेरेगोंडा है, हागन है। फेरेगोंडा और हागन लाइट कंपनी वाले हमें इस जगह पर फेंकने के लिए नरक की आग में हमेशा जले। उसमें अब देर नहीं है सिस्टर्स, बस उन परियों को ऑब्सीडियन आने दो और हमारे जाल में फंसने दो। वो रिवेन भी काम का साबित होगा। मेरे कीड़ों के जहर का उस पर सही असर हुआ, अब वो कठपुतली बन चुका है। मैं जो कहूँगी वो वही करेगा। लेकिन हम उस ड्रैगन फ्लेम को यहाँ बुलाकर खुद को जलाना नहीं चाहेंगे। उसके बारे में भविष्यवाणी याद है ना? वो भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। हाँ, हम पूरी होने नहीं देंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है ऑब्सीडियन की दुनिया में जाने के अलावा। हमें ब्लूम के पेरेंट्स को ढूंढना ही होगा। पर उस जगह जाना मना है ना? वो ही जा सकता है जो नेगेटिविटी से बना हो। वहाँ रहकर ही नेगेटिव हो जाते हैं। ऑब्सीडियन मैजिक पावर की रोशनी को खींच लेता है। ऐसे में वहाँ किसी चीज को ढूंढना नामुमकिन है। ब्लूम हमारी दोस्त है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन कोई लेकिन नहीं, हमें बस ये देखना है कि ऑब्सीडियन सर्कल को कैसे ढूंढा जाए। और ब्लूम को बताना है कि हम सबसे पहले विंग्स ही है और हम कभी इस बात को नहीं भूलेंगे। स्टेला, क्या तुम कलर ब्लाइंड हो गई हो? अगर तुम्हारा नेल पेंट खत्म हो गया था तो मुझसे ले लेती। दो तीन कलर के नेल पेंट लगाने का ये फैशन है, लेकिन तुम्हें क्या पता। ठीक है, रो मत, अच्छे से रहना। मैंने विंग्स को तुम्हें गार्डेनिया में वेनेसा और माइक के पास छोड़ने के लिए कह दिया है। ओहो, हे, अकेले अकेले कहाँ जा रही है सवारी? फ्रेंड्स, मैं ऑब्सीडियन जा रही हूँ, मुझे वहाँ जाना ही होगा, और वो भी अकेले। आगे बोलो। मैं बताती हूँ। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से किसी को कोई नुकसान पहुँचे? वो तीनों पूर्वज चुड़ैले अभी भी जिंदा हैं, और वो वही हैं। हाँ बिल्कुल, और अगर काले जादू का इस्तेमाल हुआ, अगर तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तो ये हम गार्डियन परियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत होगी। हमने सब कुछ एक साथ शुरू किया था और अब इसका अंत भी एक साथ ही करेंगे। एक साथ? बिल्कुल, और वैसे भी तुम अकेले नहीं जाना चाहती थी। अब चलो, स्पेशलिस्ट लड़के हमें लिफ्ट देने वाले हैं। हेलो, आप लोग सब कहाँ जा रहे हो? मैं उन्हें वहाँ जाने से रोक तो सकती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि वो नहीं सुनेंगे। फेरेगोंडा, तुम्हें उन पर गर्व होना चाहिए। हाँ, मुझे उन पर नाज है, पर साथ में उनकी फिक्र भी है। सिर्फ बहादुरी उन्हें कहाँ तक ले जाएगी? ये जवान हैं जैसे हम कभी थे, और तुमने उन्हें बहुत अच्छी तरह से लड़ाई जीतना सिखाया है। अब उन पर है कि वो कैसे करेंगी। हमारा पहला मिशन है ऑब्सीडियन पहुँचने और उसके काले दरवाजे को खोजने का। ऑब्सीडियन यहाँ है। काले गेट को बंद कर दिया गया है, और ऐसे में हमें लॉकेट की जरूरत पड़ेगी, और पिक्सी विलेज के पोर्टल पेड़ की भी। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई निगरानी रख रहा है। पोर्टल पेड़ के पास इस मैजिक ग्रह के हर दरवाजे की चाबी होती है। हमें सबसे पहले वहाँ जाना चाहिए। ब्लूम, मैंने अब तक तुम्हें वो बात नहीं बताई जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जहाज वाली लड़की और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है? क्या, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उस बारे में तुम मजाक भी मत करना। बस, फिर तो मेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं। पर मैं बस एक मिनट में बता दूंगा। गर्ल्स, show to believe in what they
चलो विंग्स आई है। ये तो विंग्स है ना, हम लोग बाहर आओ, हम लोग बाहर आओ, हम लोग बाहर आए हैं। लेकिन मैं तो गार्डियन परी नहीं हूँ, मैं अपने आप को छोटा नहीं कर सकती। चिंता मत करो, तुम यहीं रुको। नहीं ढेकना, तुम नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे ही जाना है। उन पर भरोसा करो ब्लूम। हम भी आ गए, मुझे पिक्सिस का ख्याल रखना है, तुम जाओ। तैयार हो? वाओ, इस तरह सब कुछ अलग दिख रहा है। मैं इतनी छोटी हूँ कि मुझे कीड़े मकोड़े और चींटियां ही देख सकती है। बाय ब्लूम, जल्दी मिलते हैं। पलक झपकते वापस। यहाँ तो बहुत सारे की होल्स हैं। मेरे साथ आ। तुम्हें सही दरवाजा कैसे पता है? हे, तुम्हें तुम्हारे पागलों वाले इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में पता है और मुझे मेरे पोर्टल के बारे में। देखो, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि मैजिक गृह में इतने सारे ताले हैं। हर दरवाजे की चाबी होती है। वाओ, हमने एक से एक चीजें देखी है लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। हे लॉकेट, कुछ मिला क्या? अभी तक नहीं। तुमने मुझे डरा दिया। मैं मैजिक जोक ट्राई करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, इसीलिए सब मुझे जॉली कहते हैं। ये बहुत सुंदर है। हाँ सच में। आओ, संभालो जॉली, भागो। करने की जरूरत है। ये क्या है? पटाखे के धमाके से सारी चाबियां उलझ गईं। लॉकेट, फोकस करके चाबी ढूंढो। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। नहीं, चलो आओ, तुम ढूंढ लोगे। हार मत मानो, जब तक मिल नहीं जाता ढूंढना होगा। तुम लोग चुप रहोगी? देखो चाबी वहाँ पर है। लॉकेट, मुझे तुम पर गर्व है, काश मैं तुम्हारे साथ होती, तुम बेस्ट हो। ऑब्सिडियन में आपका स्वागत है, जिसे आप पसंद नहीं करते उन्हें यहाँ भेज सकते हैं। हाँ, इस खूबसूरत जगह पर लाने के लिए मैं तो तुम्हें थैंक यू कहना ही भूल गई। ये मजाक का वक्त नहीं है, ऑब्सिडियन की काली शक्तियाँ इतनी ताकतवर है कि मेरी पावर कम पड़ रही है। अच्छा हुआ पिक्सीज को विलेज भेज दिया, वरना यहाँ की नेगेटिविटी तो उन्हें जान से ही मार देती। ये जगह कितनी बदसूरत है, कोई कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, उसे भी थोड़ा तरीके से रहना चाहिए, थोड़ा फैशन सेंस तो होना ही चाहिए। हे ब्लूम, लगता है कि हम बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हैं। हाँ, यही पोर्टल होना चाहिए और ये है ताले की चाबी। ठीक है, अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। किसी को कुछ कहना है तो अभी कह दो, यही सही समय है। ये तो भूकंप लगा है। वो देखो, हमारे लिए रास्ता खुल गया है, अब हमें अंदर जाना है बस। हमारे सवालों का जवाब जरूर यही मिलेगा। गर्ल्स, सबसे पहले अंदर कौन जाएगा? कितना गंदा है ये। इतना भी नहीं, असल में ये हल्का गर्म है, गुदगुदी कर रहा है। हमला करो। ये फिर से आ गई, क्या सरप्राइज है। ये एक जाल है, गर्ल्स तुम लोग आगे बढ़ो, हम इन्हें रोकते हैं। हमला करो। रिवन, चाबी दो। रिवन, ये क्या कर रहे हो तुम? जरा रुको, लेकिन मैं। ये तुम्हें क्या हो गया है? अच्छी कोशिश थी स्काई, लेकिन तुमने देर कर दी।
नहीं ध्रुव, नहीं काय, संभालो, नहीं मौसा, म्यूसा, मौसा, नहीं नहीं, वो पोर्टल बंद हो रहा है। बहुत अच्छा काम किया है रिवेन, तुम्हारे दोस्तों के पास अब कोई रास्ता नहीं और ना ही विंग्स यहाँ से वापस जा सकते हैं। रिवेन, तुमने ऐसा क्यों किया बताओ? नहीं नहीं मौसा, रिवेन, हमें उनकी हेल्प करनी होगी। हेलो, कोई है? कोई नहीं, ये तो मंडे का खाली मॉल लग रहा है। ब्लू, टेक्नो, लेलो, स्टेला, क्या मुझे सुन सकते हो? आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, मेरे सारे डेटा बंद हो चुके हैं। ओह, ये क्या है? भविष्यवाणी गलत नहीं थी, एक अनंत सड़कों वाले चौराहे पर राक्षस सबको बंदी बनाकर रसातल में ले जाएंगे। पर ये पौधे आ कहाँ से रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जिंदा है या नहीं, ये सब तो मरे हुए हैं। इतना ज्यादा डेटा एक साथ, तो समझ नहीं आ रहा। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, सिस्टम क्रैश हो रहा है। मेरा सिर, लगता है मेरा सिर फट जाएगा। मेरे हाथ, ओके, मेरे हाथ ही गायब हो रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन मैं नहीं, अरे मैं इतनी सुंदर हूँ, गायब कैसे हो सकती हूँ? ये अंधेरा मुझसे ताकतवर है। ऑडिटर मैरियन, ये तो लाइट की कंपनी की कहानी है, इतिहास है। नहीं, हो सकता है ये कोई जाल हो, पूर्वज चुड़ैलों का बिछाया हुआ। ये तो काली शक्तियों का भवन है, जिसमें चुड़ैले मेरे पेरेंट्स के साथ गायब हो गई थी। ये तो किस्मत की किताब की तस्वीर है। गर्ल्स, क्या हुआ? मेरा खुद का मॉर्फिक्स मुझ पर ही हमला कर रहा है। मुझ पर मरे हुए पौधों ने हमला किया था और मैं गायब हो गई थी। कितनी भयानक फीलिंग थी वो। और वह चुड़ैले जानती है हमें किससे डर लगता है, और वो उसका इस्तेमाल कर रही है हमें डराने के लिए। लेकिन अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, मतलब हमने अपने डर को पीछे छोड़ दिया है। एक मिनट रुको, ये तो हागन की तलवार है, और ये मूर्ति, ये तो मेरे डैड की है। ओरिजिन, लेकिन ये यहाँ क्यों है? ये कोई मूर्ति नहीं है बेवकूफ लड़की, तुमने इसे पहचाना नहीं? ये तेरे पिता है जो पत्थर बन चुके हैं। नहीं डैड, इतने सालों तक इन्हें टॉर्चर करने का मजा लिया है। ताकि स्पार्क्स वालों को उनका भविष्य दिखा सके। स्पार्क की आखिरी वंशज अपने लोगों से मिलो। तुम्हारे राज्य का राज ये है कि ये कहीं खोया नहीं है। तुमने इन्हें पहचाना नहीं ब्लूम? क्या तुम इन्हें नजदीक से देखना चाहती हो? लाइट की कंपनी ने हमें हरा कर इस अंधेरी जगह में आकर रहने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दूसरों के शरीर में रहते हैं। हमारे पावर्स कम हो गए हैं। हाँ, जैसे कि बिना जान के शरीर। तुम्हारी पावर्स गायब हो रही हैं नन्ही परियों। रुको टेक्ना, उसे बाहर निकलो। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें ताकत ही नहीं बची। तुम लोगों को ये क्या हो गया है? वो इस जगह के अंधकार का मुकाबला नहीं कर पा रही, जिसकी आदत सिर्फ तुझे है। तुम में ऐसी शक्ति है जो इस तलवार को भी शक्ति दे रही है। इस अंधेरी दुनिया के इस नए घर में तुम्हारा दिल से स्वागत है रिवेन। हम तुम्हारे पुराने दोस्तों को मार देंगे ताकि तुम्हारे नए दोस्त बने।
लेकिन तुम्हारी सारी पुरानी दोस्तों को हम मार देंगे ताकि जब तुम वापस अपने स्कूल एल्फिया में जाओ तब तुम्हारे सारे नए दोस्तों उसकी तलवार स्पार्क्स की पावर की वजह से इतनी शक्तिशाली है कि हम उसे नष्ट नहीं कर सकते ना ही उसे छू सकते हैं। तुम्हारे पिता के शरीर को रखकर हमें कुछ नहीं मिला। उनकी इच्छा शक्ति इतनी ताकतवर है कि हम इस ग्रह के चारों तरफ से जो राक्षसी सेना लाए थे वो उन पर भारी पड़ गए और उस तलवार को छूने भर से उनकी मृत्यु हो गई। तुम्हारे अंदर स्पार्क्स का शाही खून और ड्रैगनी आग है। तुम शक्तिशाली हो तो इस तलवार को नष्ट कर सकती हो। हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे और इस हादसे को बुलाने में हेल्प भी करेंगे। तुम्हें यहाँ की कोई बात याद नहीं रहेगी। नहीं, मेरी सारी लाइफ एनर्जी इस तलवार के अंदर है। इसको नष्ट करने का मतलब है खुद को नष्ट करना। स्पार्क्स के पावर हर चीज को नष्ट करना। अच्छा चलो इस तलवार को नष्ट करने का एक और कारण बताते हैं। काफी समय से तुम विलिस और माइक से नहीं मिली ना, तो चलो मिलो। माइक और वेनेसा, तुम्हें इनसे क्या चाहिए? इनसे नहीं ब्लूम, तुमसे चाहिए। अगर तुमने तलवार को नष्ट कर दिया तो इनकी जिंदगी नष्ट होने से बच जाएगी। सारे स्पेशलिस्ट लड़कों को मारने के बाद हमारी बैट गोरा को माइक और वेनेसा को मारने में बहुत मजा आने वाला है। देखो वो वहाँ पहुँच भी गई है, बस उसे हमारे आदेश का इंतजार है। तुम्हारी मर्जी है ब्लूम कि तुम उस पिता जिसे तुमने कभी नहीं देखा उन्हें बचाने की कोशिश में अपने पालने पोसने वाले इतना प्यार करने वाले माता पिता को मरने देना चाहती हो। तुम्हारा फैसला जो भी हो, आज किसी ना किसी को तो मरना ही है। हाँ ठीक है, तुम इन्हें मार सकती हो। राजकुमारी तुम पागल हो गई हो। माइक कभी किसी कैट को नहीं पकड़ता, उसे एलर्जी है। अगर ये माइक होता तो ठीक कर बेहाल हो गया होता, मतलब ये माइक नहीं है। अब तुम्हें क्या लगता है मैंड्रागोरा इतनी आसानी से स्पेशलिस्ट से पीछा नहीं छुड़ा सकती? ड्रैगन फ्लेम स्पीयर। तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी मैंड्रागोरा। चलो दोस्तों, अब संहार करने का वक्त आ गया। मैं इसके लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। मूसा, क्या तुम ठीक हो? मैं एक परी हूँ, मुझे अपने आप को बचाना आता है। लेकिन तुम्हें क्या हो गया रिवेन? मैं मैंड्रागोरा के काबू में था लेकिन अब नहीं हूँ। अब मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे किसके लिए लड़ना है। क्या अब तुम्हें पता चला कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो? और किसके लिए? तुम्हारे लिए। आओ चलो, मैं नहीं चाहता ये गेट फिर से बंद हो जाए। मैंड्रागोरा, हमारे पास वापस आओ। ब्रांडन, तुम लोग इन कीड़े मकोड़ों को संभालो, मैं मैंड्रागोरा के पीछे जाता हूँ। फिक्र मत करो स्काई, हम इन्हें संभाल लेंगे। ये लो। ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ तुम्हारी पावर्स भी गायब हो रही हैं प्रिंसेस? ओरिटेट की तलवार को नष्ट कर दो ब्लूम। शायद उस आदमी ने मुझसे झूठ कहा था कि इस तलवार को एक पवित्र दिल वाला ही छू सकता है। अगर ऐसा है तो मैं ये काम करूँगा। स्काई, तुम आ गए। हाँ, तुम हमारा काम कर दो मास्टर स्काई। नहीं स्काई, नहीं, उसे छूना मत, तुम अभी तक राजा नहीं बने हो। नहीं नहीं रुको स्काई, नहीं, उसे छूना मत स्काई। नहीं नहीं नहीं। स्काई, नहीं नहीं। बेवकूफ, इस तलवार ने तुम्हारे स्काई को मार दिया है ब्लू, अब तो इसे नष्ट कर दो। मेरी सारी दोस्त स्काई, मेरा भयानक सपना सच हो रहा है, मैं अकेली ये सब कैसे करूंगी? ब्लू, तुम अकेली नहीं हो। डैफनी, डैफनी, लोग कहते हैं इंसान एक बार मरता है लेकिन तुम्हें हम बार बार मारेंगे। जिस स्पार्क्स के पावर को तुमने बर्बाद किया आज वही तुम्हें तबाह करेगा। तो क्या तुम तैयार हो सिस्टर?
नहीं। सही वक्त पर आ गई मैंड्रागोरा। इसे मारने मत आएगा। नहीं, नहीं। तुम्हें क्या लगा था तुम हमारी काली शक्तियों को मिटा दोगी और इसमें फंसे अपने लोगों को निकाल लोगी? हे, कैसा लगा दोबारा मिलकर? स्काई, मुझे बताओ तुम राजा की तलवार को छूकर भी कैसे बच गए? एक राजा ही तलवार को छू सकता था और मैं एक राजा हूँ। ग्रेजुएशन के दिन ही मेरा राज्याभिषेक हुआ था। मैं नया राजा हूँ एरेक्लियन का। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी प्यारी ब्लूम, मैंने तुम्हें बताने की कितनी बार कोशिश की लेकिन मुझे कभी सही मौका ही नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि भविष्यवाणी सही थी कि एक बिना ताज का राजा एक खोए हुए राज्य के राजा को बचाएगा और जो खो गया है फिर से वापस मिल जाएगा। और अगर एक नेगेटिव एनर्जी ने स्पार्क्स को अपने भंवर में फंसा लिया था तो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी उन्हें उससे आजाद करेगी। इतने नजदीक रहकर भी मैं तुम्हें छू नहीं सकता था, इससे बड़ा टॉर्चर मेरे लिए कुछ नहीं था। फिर भी मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी और रहूंगी। माँ, पिताजी, डैफनी, तुम्हें क्या हो गया है? बहुत कुछ माँ, लेकिन इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। अच्छी बात यह है कि आप लोग आजाद हो गए हैं और ये सब मेरी छोटी बहन ब्लूम की वजह से। क्या कह रही हो? मेरी प्यारी बेटी ब्लूम। दिस मूवी इज एनकोडेड बाय ट्विन वर्ल्ड फॉर ऑल डॉट मी। स्पार्क्स के नए जीवन के लिए ये पार्टी है, हमें और क्या चाहिए? पक्का तुम ठीक हो ना फेरागोंडा? मुझे डांस के लिए पूछ लो, खुद ब खुद पता चल। कितनी सुंदर लग रही है। तुम बहुत सुंदर राजकुमारी हो, लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरी नन्ही सी बेटी रहोगी जिसकी आंखें मुस्कुराती हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इस पल का कितना इंतजार था और आज वो आ गया। किसे पता हमने एक ही सपना कितनी बार देखा। क्या मुझे भी अपनी बेटी से बात करने का मौका मिलेगा या मेरी बीवी ही इसे अपने पास रखना चाहती है? डैड, तुम हमारे बिना बड़ी हुई, हम तुम्हारे अब तक के जीवन में साथ नहीं थे, लेकिन अब वादा करते हैं आगे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हमारे ऊपर उनका बहुत एहसान है जिन्होंने हमारे ना रहने पर भी तुम्हारी अच्छी परवरिश की। उन्हें यहाँ धन्यवाद देने के लिए खास तौर पर इनवाइट किया है। देखो तुम्हें राजकुमारी लग रही हो। लेकिन हमारे लिए तुम हमेशा राजकुमारी थी और हमेशा रहोगी। और अगर आप इजाजत दें तो क्या ब्लूम तुम्हारा ये पिता तुम्हारे साथ डांस कर सकता है? हमारे राज्य की ये परंपरा है, पहला डांस राजा अपनी बेटी के साथ करता है। ब्लूम, यहाँ कोई और भी है जो तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है। तुम तो बहुत ही मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि उस दिन तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। उससे ज्यादा बहादुरी तो मैंने तब दिखाई थी जब तुम्हें बिना बताए तुमसे दूर रहकर अपने राजा बनने के कड़े अनुशासन की ट्रेनिंग ली थी। मैं सच कहता हूँ मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन ऐसे अनुशासन का क्या फायदा जिसमें आप अपनी स्वीट हार्ट के साथ डांस भी न कर पाए। इरेक्लियन के महाराज,
मुझे लगता है अब आपको महाराज कहकर बुलाना चाहिए और झुककर सलाम कहना चाहिए। अगर किसी को झुकना चाहिए तो वो मैं हूँ, वो भी तुम्हारे सामने, तुम्हारे प्यार, विश्वास और साथ के लिए। हे ब्लूम, चलो तुम्हारे बिना डांस शुरू नहीं होगा और मुझे अपनी ड्रेस दिखाने की जल्दी है। स्टेला, मैं तुम्हारी बात को कैसे मना कर सकती हूँ। और उसके बाद दूर कहीं मैजिक ग्रह पर अपनी असली जड़ों को खोजते हुए एक परी अपने आप पर और अपने लोगों पर भरोसा करके अपनी लड़ाई जीत जाती है और अपने माता पिता और राज्य को बचा लेती है और आखिर में गार्डियन परी बन जाती है। और फिर किस्मत की किताब में एक और पन्ना जुड़ जाता है एक नई लाइट की कंपनी के नाम से, और वो नाम था द विंग्स। वो लड़कियाँ कितनी उन्होंने हमारे हाथों की कठपुतली बनकर ऑक्सीडियन को नष्ट कर दिया और हमें फिर से आजाद कर दिया। अब हमें अपने ये नए शरीर को ढूंढना होगा। ये नन्ही डिटरियाँ हमारे जाल में फंस गई हैं और जल्दी ही हम इनके नाजुक पंखों को नोच डालेंगे।